देखो 10.1 में ना आवाम की बेहद फरमाइश पे मैं सभी सवाल करवा रहा हूँ, मतलब करवा नहीं रहा, 50-60% बोर्ड पे करवाऊंगा, 50% है या 40% है अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, कम करवाऊंगा, इतने ज़्यादा नहीं करवाऊंगा क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन जितने मैं नहीं करवाऊंगा वो सब PDF के अंदर मौजूद हैं और आपके लिए खुशखबरी ये कि PDF इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लिखा होगा डाउनलोड रिमेनिंग क्वेश्चन PDF, तो उसके अंदर जितने मैं बोर्ड पर करवाऊँगा 10.1 के वो नहीं होंगे, बाकी जो मैं नहीं करवाऊंगा वो सब मौजूद होंगे उसके अंदर, ठीक है, तो आप लोग देख लेना। वो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है जो मैं करवाऊंगा। अब देखो इसको सॉल्व करने का सबसे पहले तरीका ये है कि आपने वो वाली साइड सबसे पहले पिक करनी है जो आप लोगों को लगे कि हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस वाली साइड को लेस चांसेस हैं कि हम सिंप्लीफाई करें, हमें कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ अजीब सा करना पड़ जाएगा, लेकिन इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, मैं कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ये वाली आइडेंटिटी लगा सकता हूँ, ठीक है, तो आपने वो वाली साइड पिक करनी है जो आपको सिंप्लीफिकेशन में आसानी दे, जिसको आप आसानी से सिंप्लीफाई कर लो, तो आप लेफ्ट हैंड साइड को पिक करो, कॉस स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दो, 1 - sin² अच्छा ये भी आपको देखना है कि आपने पुट क्या करना है, आपको अपनी राइट हैंड साइड के मुताबिक चलना है, अगर आप राइट हैंड साइड देखो तो उसमें 1 - sin θ आ रहा है, तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा ये 1 - sin आएगा कहाँ से, तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लड़ाओगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आप कॉस स्क्वायर को इसमें चेंज करो और मजीद सिंप्लीफाई करोगे तो 1 - sin θ आ जाएगा, क्योंकि अच्छा एक और सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि जो मैं सवाल करवाऊंगा ये मेरा तरीका है, इसमें आप बहुत तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हो, बहुत तरीक़ों से आप प्रूफ कर सकते हो, तो अगर किसी के पास शॉर्ट तरीका हुआ ना तो अपने पास रखें या किसी को बताना चाह रहे हो तो बता दें, मेरी वीडियो में ये नहीं बोलना आके कि भाई ये तो आपने लंबा करवाया है ये तो शॉर्ट है इसका, बिल्कुल हो सकता है शॉर्ट, मेरे जहन में जितनी चीज़ें मैं करवा देता हूँ कोई ऐसा तरीका हो सकता है जो शॉर्ट होगा, ठीक है, तो ये डिफरेंट तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे, मेरा वाला अच्छा लगे चाहिए, अगर आपके पास कोई शॉर्ट है तो आप वो वाला कर लो, बस एट द एंड ऑफ द डे आंसर प्रूव होना चाहिए आपका, बस ये होना चाहिए। एक और चीज़, अभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है इसको मैं डिफरेंट तरीके से चेंज कर सकता हूँ, मैं इसको कुछ भी कर सकता हूँ, अगर लेट्स से मैं इसको 1 - sin θ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो ये अलग चीज़ हो जाएगी, मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ वही करूँगा जो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, जिसको मुझे प्रूफ करना है, मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगा कि वो राइट हैंड साइड वाली चीज़ ही नहीं आ रही होगी, तो आपने अपना गोल क्या होना चाहिए कि आप इस तरह सिंप्लीफाई करो कि राइट हैंड साइड पर जो चीज़ आ रही है वो आपको नज़र आ जाए किसी तरह, तो इसलिए मैंने कॉस स्क्वायर को इस 1 - sin² में चेंज किया, क्योंकि अब इससे ना मुझे नज़र आ रहा है कि मेरा किसी तरह 1 - sin θ आ सकता है, ठीक है, करो क्या ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा a² - b² का, आप 1 को ब्रेक करो 1 के स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और sin² θ को आप इस तरह लिख सकते हो sin θ² अब ये बन गया a² - b², वो बराबर होता है a + b a - b, इसमें a क्या है 1 और b क्या है sin θ, तो a + b a - b, और नीचे तो अपनी जवाब रहेगा, फिर 1 + sin θ 1 + sin θ कैंसिल कर दो। एक और कन्फ्यूजन है यार स्टूडेंट की, इतनी गलतियां करते हैं, मैं उनके पेपर चेक करता हूं, मुझे आइडिया होता है, ये एक्सप्रेशन अभी ऐसे लिखी हुई है, अगर मैं इस एक्सप्रेशन में एक चीज़ ऐड कर दूं, न्यूमरेटर में +1 कर दूं, अब मैं इसको इससे कैंसिल नहीं कर सकता, ये अपना कॉन्सेप्ट आप लोग ठीक करो, आमतौर पर स्टूडेंट करते क्या हैं कि जब अच्छा एक होता है ना टर्म का कॉन्सेप्ट, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, जब प्लस और माइनस आ गया ना तो दो चीज़ें सेपरेट हो जाती हैं, उसको हम टर्म बोल देते हैं, जब ये +1 नहीं था तो न्यूमरेटर में सिर्फ एक ही टर्म थी ये वाली, लेकिन जब +1 आ गया अब दो टर्म हो गई हैं, एक 1 है और एक ये वाली है, तो अगर आपके पास न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एक एक टर्म है तब आप कैंसिल कर सकते हो, वरना आप कैंसिल कर ही नहीं सकते, ठीक है, लेट्स से अगर इधर मैं कुछ भी ऐड कर दूँ अपनी तरफ से, cos θ ऐड कर दूँ, sin θ ऐड कर दूँ, ये सब आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये एक ही टर्म है, तो अब मैं आसानी से कैंसिल कर सकता हूँ इसको, लेकिन जब आप न्यूमरेटर पे देखो, न्यूमरेटर में एक टर्म नहीं है, अब मैंने +1 ऐड किया, अब दो टर्म आ गई हैं, और जब दो टर्म हो तो मैं इस तरह कैंसिल कर ही नहीं सकता, तो ये वाला कॉन्सेप्ट है, अपने आपके कॉन्सेप्ट जो है ना ये मजबूत करो, ये आमतौर पर स्टूडेंट बहुत गलतियाँ करते हैं, तो मैंने कहा आप लोगों से डिस्कस कर दूँ कि कैंसिल करने की शर्त ये है कि ऊपर भी एक टर्म हो नीचे भी एक टर्म हो, जनरली ये फॉलो होता है, तो अगर +1 या कोई और दूसरी टर्म आ जाए तो आप डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, तभी आमतौर पर हम लेट्स से अगर इस तरह होता, यहाँ भी आपके पास 1 + sin θ आ जाता, लेट से एक टर्म ये होती जिसपे 1 + sin θ लिखा हुआ है, अब आप क्या करते, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, आप क्या करो इसमें से 1 + sin θ कॉमन लो, जब आप 1 + sin θ कॉमन लोगे तो क्या होगा, यहाँ से जब ये एक टर्म ये है और एक ये टर्म ये है, तो 1 + sin θ कॉमन लोगे तो यहाँ पे से बच जाएगा 1 - sin θ,
और इधर जब आपने 1 प्लस साइन थीटा कॉमन ले लिया तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ प्लस 1 बचेगा, ठीक है। अब भी अगर आप गौर से देखोगे, कॉमन लेने के बाद ये आपके पास एक टर्म होगी है, क्यों, एक ये है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, और जब तक मल्टीप्लाई होती है आपके पास एक ही टर्म रहती है, वो चेंज नहीं होती जब तक मैं प्लस करके कुछ आगे ना लिख दूँ उसके अंदर। तो जब मल्टीप्लाई हो रही है आप बोल सकते हो फैक्टर की फॉर्म में, आमतौर पे जो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म होता है उसको हम फैक्टर्स बोलते हैं, जैसे 6 के दो फैक्टर होते हैं ना, 2 × 3, और एक 6 का फैक्टर 1 × 6 भी हो सकता है, जो हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं वो फैक्टर होते हैं आपके पास। तो जब आपके पास एक टर्म है, अब मैं आसानी से इसको कैंसिल कर सकता हूँ, लेकिन जब दो टर्म हो जाएंगे तो इस वाले केस में मैं डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकता था इसको, क्योंकि दो टर्म थी, लेकिन मैंने कॉमन लिया, एक टर्म बन गई, अब मैं कैंसिल कर सकता हूँ इसको, ठीक है। तो अपने कॉन्सेप्ट पे काम करो, बहुत वीक होते हैं आमतौर पर स्टूडेंट्स के। खैर सब चीज़ें हटा दो, आपके पास ये वाली चीज़ थी, तो 1 + sin θ को आपने कैंसिल कर दिया, यहाँ पे क्या बचा, 1 − sin θ, जो आपकी राइट हैंड साइड है, और आपकी आइडेंटिटी प्रूव हो गई। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें चीज़ लिखी हुई। अब देखो इसको आसानी से मैं रिड्यूस कर सकता हूँ, आपको पता है cosec थीटा का फॉर्मूला भी आपको पता है, cot थीटा का फॉर्मूला भी पता है, लेकिन अब इसमें ना cosec थीटा की जगह तो मैंने 1/sin लिख दिया, जहाँ से आपको पता है। अब cot के दो फॉर्मूले, एक cot का फॉर्मूला बनेगा 1/tangent, और एक cot का बनेगा cos/sin। अगर आप गौर से देखोगे तो इसके डिनोमिनेटर में साइन आ रहा है, तो अगर आप यहाँ टेंजेंट लिख लोगे, लेट से cot की जगह 1/tangent आप लिख रहे हो, तो इधर डिनोमिनेटर में टेंजेंट होगा, इधर साइन थीटा होगा, वो एलसीएम सही नहीं आ रहा होगा, तो आपको खुद समझ आ जाएगी, मज़ा नहीं आ रहा उसमें। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैंने cot की जगह क्या कर दिया, cot का ये वाला फॉर्मूला चूज़ किया, cos/sin। इससे आसानी मुझे क्या होगी, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम आपके पास वही आएगा साइन थीटा। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, इधर 1 लिखो और इधर −cos θ लिखो, और इनके ऊपर क्या है, होल स्क्वायर है। उसके बाद ये स्क्वायर जो है वो इसके ऊपर भी आ जाएगा, न्यूमिनेटर के ऊपर भी आएगा और डिनोमिनेटर के ऊपर भी आ जाएगा। अब अगेन इतनी बड़ी कन्फ्यूजन है आमतौर पर स्टूडेंट को, वो इस स्टेप के बाद पता है करते हैं, कितने स्टूडेंट को मैंने देखा है इस वाले स्टेप के बाद वो इसको ऐसे लिख देते हैं 1 − cos²θ। भाई अगेन ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, आप स्क्वायर दोनों के ऊपर डायरेक्टली लिख सकते हो, वो क्या करते हैं स्क्वायर 1 के ऊपर भी लिख देते हैं और स्क्वायर कॉस के ऊपर भी लिख देते हैं, 1 का स्क्वायर 1 और कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा आपका। ये आपका वैलिड उस वक्त है जब आपके पास लेट से इस टाइप के टर्म हो, लेट से साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा और उसके ऊपर होल स्क्वायर हो। अगर आप ब्रैकेट के अंदर देखो तो ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, एक ही टर्म मानी जाएगी। तो अब स्क्वायर मतलब ये सिंप्लीफाई क्या होगा, स्क्वायर साइन के ऊपर भी आएगा और ये स्क्वायर कॉस के ऊपर भी आ जाएगा, क्योंकि अंदर सिर्फ एक टर्म है। मैं क्यों इन बेसिक्स पे जा रहा हूँ, क्योंकि यही गलतियाँ होती हैं, बाकी आप लोगों को करना आता है, ये फॉर्मूले पुट कर लोगे बेसिक गलती कर दोगे आप लोग। तो जब एक टर्म है तो आप दोनों के ऊपर स्क्वायर इस तरह लिख सकते हो, लेकिन जब वो एक टर्म नहीं है, ये वाला सीन है, अब अंदर दो टर्म है आपके पास, अब डायरेक्ट आप स्क्वायर नहीं लिख सकते, अब आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कौन सा वाला फॉर्मूला, a − b² ठीक है, ये फॉर्मूला एक्सपेंड करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हम एक्सपेंड नहीं करेंगे, हमें ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़, ये जो 1 − cos θ का होल स्क्वायर है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो कि 1 − cos θ × 1 − cos θ, इस तरह भी लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है जब बेसिस सेम होती है तो पावर ऐड होती है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो बेसिस सेम, पावर ऐड करोगे 2 आएगा और वो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो आमतौर पे इस वाले जो चैप्टर नंबर 10 है ना, इसमें हम ये a − b² का फॉर्मूला एक्सपेंड नहीं करते, क्योंकि हमारा मकसद ही नहीं है वो, फिर वो हमारी राइट हैंड साइड आएगी नहीं उससे। हम क्या करते हैं, हम इसको इस तरह लिखते हैं कि अगर स्क्वायर आ गया तो हम दोनों को अलग अलग कर देंगे इस तरह, ठीक है। अलग करने की ज़रूरत नहीं, आपको फ़ौरन पता चल जाएगा जो आपने करना है। खैर ये भी कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, गलती होती है। अब देखो साइन स्क्वायर, अब अपनी राइट हैंड साइड देखो, आप राइट हैंड साइड में न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में कॉस आ रहा है, तो अब आपकी अक्लमंदी ये है कि आप इस साइन स्क्वायर को भी कॉस में चेंज कर दो, क्योंकि जब आपका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर है ही कॉस में, तो साइन का क्या काम है यहाँ पे। साइन स्क्वायर की जगह क्या प्रॉपर्टी लगाओ, 1 − sin² की जगह आप क्या आइडेंटिटी लगाओगे, 1 − cos²θ, तो साइन स्क्वायर की जगह 1 − cos²θ आ गया। अब ये वही दोबारा बन गया a² − b², ये वाली फॉर्म बन गई है, यहाँ पर था 1 − sin²θ, वही a² − b², इधर है 1 − cos²θ। तो फॉर्मूला लगाओगे ये हो जाएगा a − b a + b, और ऊपर अपने जगह पर रहने दो जो है। अब देखो मैंने बताया था ऊपर ये जो स्क्वायर है इसका मतलब क्या है कि 1 − cos θ 2 है ऊपर, मतलब इस स्क्वायर को मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना,
कि 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा ये बराबर होता है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो बेसिकली ऊपर दो 1 माइनस कॉस थीटा है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और नीचे आपके पास एक 1 माइनस कॉस थीटा है, एक 1 प्लस कॉस थीटा है। तो आप क्या करो, एक 1 माइनस कॉस थीटा से एक 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल कर दो, ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा जो है आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ऐसे आपने सवालों को सॉल्व करना है, अपनी राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग वर्किंग करनी है सारी की सारी।